हेलो एवरीवन, बारिश में नहाना बहुत ज़रूरी है। सावन की या कोई मतलब जब बारिशें शुरू होती हैं, सावन तो ख़त्म होने के बाद शुरू होती हैं बारिशें, एक बारिश में नहाना ना बहुत ज़रूरी है। बताऊँ क्यों? क्योंकि इससे आपके बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है। ये अमृत होता है एक तरह से। इसमें एक बार नहा लोगे पूरे सीजन में तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए भी। सब कहते हैं नहाने से जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सभी करके बातें हैं। नहाओ, ठीक है। आजी स्वागत है आपका मेरी रस भरी रसोई में। आज मैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल नाश्ता बना रही हूँ। रोज रोज मम्मी ये कुछ स्पेशल बनाओ, तो आज मैंने स्पेशल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। सब चीजें हमने एक बड़े बाउल में ले लिया है, ठीक है। अब हम इसमें जो चावल का पेस्ट, आलू का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे इसमें, ठीक है जी। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, बिल्कुल छोटा टीस्पून, ठीक है। और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा, भुना हो तो अच्छी बात है, ना हो तो और भी अच्छी बात है। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, ठीक है जी। और ये थोड़े से हमने ऑरिगेनो डाल दिया, चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो है, डाल देते हैं, स्वाद अच्छा आएगा, है ना। तो जी इसको अच्छे से हम घुमाएं, अच्छे से मिक्स करें, वेल मिक्स करें, चंगे से मिक्स करें। इतने अच्छे से मिक्स करो कि ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो उससे क्या होगा ना, उससे ना थोड़ा फ्लफी बनेगा, है ना। और सारी चीजें मिक्स अच्छे से भी हो जाएंगी, और थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो, डोले वोले बन जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा तैयार मिक्सचर। ये हमने नन्ना सा पैन चढ़ा दिया है क्योंकि हमने किसी के साइज का बनाना है, ठीक है। और बाहर हो रही है बहुत बढ़िया बारिश, बच्चों को बारिश में कुछ अच्छा चाहिए, और बच्चों को क्या, मम्मी पापा को भी चाहिए। बच्चों को बहाना करते रहते हैं बस कि बच्चों के लिए। स्वाद तो अपने भी होते हैं भाई साहब। ये लो जी हमारा पैन हो गया तैयार, और घी को जरा अच्छे से फैला लेंगे, ठीक है। और ये लो दो छोटी कड़छियां हमने इसमें अच्छे से सेट कर दी। अब हम इसको रख देंगे हल्के से इस पे बनने के लिए, ठीक है जी। ढकने से ना आराम से पकेगा, तसल्ली से। अच्छा जी, ये देखो ये पक गया है। अब जिसको निंजा टेक्निक ना आती हो ना, सबसे अच्छी टेक्निक ये, ठीक है, हो गया। अब फिर इसको पलट लो, और ज्यादा करारा बनाना है तो आप घी या ऑयल जो भी है थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि भाई क्रिस्पी हो जाएगा ना, तो और टेस्टी लगेगा। अभी और ढक देंगे इसको। ये लो जी हमारा क्रिस्पी पैन तैयार हो गया जी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मिक्स वेज पैन। पैन केक होता है ना, जैसे शक्ल तो इसकी वैसी ही है ना। अब ये हमने हल्के सेक पे रखना ताकि अंदर तक पक जाए, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा रेडी। अब हम इसको चटनी के साथ खाएं या रुखा ही खा लें, जैसे मर्जी खाएं, ठीक है जी। बारिश देखो कितनी झमाझम बारिश हो रही है। जब ऐसी बारिश होती है ना, तो फिर कुछ स्पेशल करने का मन करता है, जैसे कि स्पेशल नाश्ता, स्पेशल लंच, स्पेशल डिनर। बस खाने पे ही सुई अटकती है जाके, है ना। बारिश हो तो कुछ अच्छा सा बना लो, ठंड हो तो कुछ बढ़िया गर्मा गर्मा बना लो, और गर्मी हो तो कुछ ठंडा ठंडा फलूदा आइसक्रीम बना लो। मतलब यही चलता है। हम लोग जी किस लिए रहे, खाने के लिए।
फिर लोग बोलते हैं खाते ही रहते हो, जब देखो खाते रहते हो। अरे भैया, साथ में मेरे फेवरेट बैंगन के पकोड़े भी बन रहे हैं। ठीक है जी, अभी मैं आपके साथ बातें करने में मस्त थी और यहाँ जलने वाले थे। यही होता है, वीडियो बनाओगे ना तो चीज खराब हो सकती है, उसके लिए आपको दो आंखों की जगह चार आंखें करनी पड़ती हैं। जैसे कि ये हो गई मेरी चार आंखें। काफी लोग पूछेंगे आप भाई ये निंजा टेक्निक क्या होती है। भाई बहुत भोले भोले लोग भी हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं, हमारे जैसे चलाक है, सारे भोले लोग भी हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहती हूँ ये होती है निंजा टेक्निक। देखा, ये देखो ऐसी होती है निंजा टेक्निक। अब हम सबसे पहले प्लेट सजाएंगे आयुष जी की। अब आप बोलोगे वो लड़का है इसलिए, नहीं वो छोटा है इसलिए, ये लड़का लड़की वाला ना गेम मैं नहीं खेलती है ना, वो छोटा है और उसको भूख लगी है, तो इसलिए मैं शुरुआत करती हूँ या तो पापा से या फिर सबसे छोटे से या फिर सबसे बड़े से। ठीक है, तो ये जो होती है ना बातें, ये बातें हमें दिमाग में नहीं लानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, देखो कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं, बढ़िया बढ़िया बने हैं, काश आप खा सकते फिर पता चलता आपको कि मैं कितनी अच्छी कुक हूँ। अभी तो सारे कमेंट करते हैं ऐसे तो कभी ना खाए, हम तो ऐसा ही खाएंगे। ये देखो बैंगन के पकौड़े जो कि आयुष को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं रख देती हूँ क्योंकि इनको देख के वो इनको चट कर जाएगा। और ये क्या है, ये कल हमने किशन जी को भोग लगाया था, किशन जी ने जितना खाना था खा लिया, अब हम खाएंगे। तो जो भोग लगाओ ना तो वो खुद खा लिया करो बाद में। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रेडी नाश्ता। हैप्पी बर्थडे है कान्हा जी का। आपको कान्हा जी से मिलाते, ये देखो मेरे कान्हा जी, इनको हमने आज झूला झुलाया, काका जी बैठे हैं बाबू बाबू बनके। शाउटआउट जाता है, सबसे पहला नाम है अंशुल गुप्ता, खुश हो गए, और उर्वशी कागरा, और उल्फत हुसैन जी, सपना राजपूत जी, कीर्ति अरोड़ा जी, और मन सिमर कौर। ठीक है जी, आज हमने 6 नाम लिए क्योंकि किसी को भी नाराज करना नहीं चाहते, ज्यादा से ज्यादा नाम लेके सारा मामला ठीक करना चाहते। ठीक है जी, और वीडियोस देखते रहो, लाइक करते रहो, अप्रिशिएट करते रहो, आपका सपोर्ट जरूरी है। बेल आइकन टन टन टन।